हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं संदीप तोमर आपके लिए लाइव क्लास लेके आया हूँ। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा यहाँ पर परसेंटेज, सॉरी अलजेब्रा। हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ पे अलजेब्रा का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है तीनों होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर हमें चाहे वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, जितने भी होल स्क्वायर होते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते हैं। या तो ये 0 के इक्वल होंगे या 0 से बड़े होंगे। लेकिन हमने यहाँ पे देखा ऐसे तीन नंबर्स हैं हमारे पास और तीनों का सम 0 है, दैट मीन्स वो तीनों नंबर इंडिविजुअली 0 होंगे। तो ए माइनस वन यहाँ पे 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और बी प्लस टू यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो भी हमारी माइनस टू हो के सी प्लस वन हमारा 0 हो गया, यहाँ से सी की वैल्यू भी माइनस वन। देखो ये वैल्यूज बड़ी आसान होती है निकालनी, इजली हम इसको निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीन स्टेप में लिखा है, बाकी हम देख के भी बता सकते हैं कि भाई ये ए माइनस वन अगर 0 है, ए माइनस वन 0 कब हो सकता है, जब ए की वैल्यू 1 होगी। ओके, बी प्लस टू 0 कब हो सकता है, जब बी की वैल्यू माइनस टू, क्योंकि माइनस टू प्लस टू ही तो 0 होगा। सी प्लस वन हमारा 0 कब हो सकता है, सी की वैल्यू माइनस वन, क्योंकि माइनस वन प्लस वन ही तो 0 होगा। ठीक है, तो ये हम इसको वहाँ पे वर्बली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तीन स्टेप में लिखा ताकि मैं तुमको ईजिली समझ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हमें जो फाइंड करना है वो है 2a माइनस 3b प्लस 7c। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये 2a, दैट मीन्स a की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2, जब b की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 6। ओके, जब c की वैल्यू हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 7। तो ये हो जाएगा जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा 1। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो होने वाला है हमारे पास पर 1। ठीक है, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन था। हमें बस इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि ए जितने भी होल स्क्वायर होते हैं, जिसका जो सम होता है, जितने भी होल स्क्वायर होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। और अगर ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा 0 के इक्वल हम उसको लेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्राई करना है ताकि हम यहाँ पे होल स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश कर सके। तो देखो यहाँ पर ये इसको हम यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। इसमें हमें जो एक चीज़ देखनी है वो हमें पता होनी चाहिए, हमें यहाँ पे एक स्टेप पाना चाहिए और वो है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ ये देखना है, हमें किसी भी तरीके से या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, हमें होल स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो हमने देखा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है और ये 1 है। अगर मैं इन तीनों टर्म्स को एक साथ ले लूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें भी हमें ये देखना है, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, ओके, इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर लिखो, पहले इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखो, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखो और टू के साथ दोनों की मल्टीप्लाई। चलो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे वन का स्क्वायर है और बीच में टू के साथ देखो एक्स की और वन की मल्टीप्लाई है जो कि 2x हो गया। दैट मीन्स होल स्क्वायर हमारा इसी का बन रहा है, वाई का नहीं बन रहा, क्योंकि वाई का बन रहा होता तो कहीं ना कहीं वाई स्क्वायर के साथ वाई की टर्म्स भी होती। क्लियर? ओके, तो फिर से वही कंसेप्ट हो गया हमारा, होल स्क्वायर तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब हम देखेंगे यहाँ से जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस वन, और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 0। ओके, हमें जो फाइंड करना था वो था हमारे पास x की पावर 35 प्लस y की पावर 35। और x की पावर 35 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 35 प्लस यहाँ पर हो गया 0 की पावर 35। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे साइन की वैल्यू देखेंगे, अगर हम माइनस की पावर यहाँ पे कर दे ओड, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूँ, दैट मीन्स विषम हम अगर यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे जो सिंबल रहेगा वो माइनस रहेगा। लेकिन अगर हम माइनस की पावर यहाँ पे इवन कर देते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे सम कर देते हैं, तो जो साइन आएगा हमारा वो हो जाएगा पॉजिटिव।
ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो 35 है ये हमारा ओड नंबर्स है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0 की पावर समथिंग इज 0, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है हमारे पास -1। क्लियर है? ओके, यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर हो गया ये हो गया हमारे पास -1। ठीक है, देखो बड़े हमें ना ये जो हमारा टाइप है हमें इस टाइप पे ध्यान देना है, जो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं वो यहाँ पे जो टाइप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें भी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं ताकि हम यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट कर सके। ओके, तो हम यहाँ पे देख 4 और 1, हमको यहाँ पे इसी को यहाँ पर ब्रेक करना होगा। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 4, ओके प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। ओके, यहाँ से जो हमने 5 को ब्रेक किया, 4 को एक साथ लेगा 1 को, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमें ध्यान देना है ये भी हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास बी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ओके, यहाँ से जो वैल्यूज़ पता लगेगी वो हमारे पता लग जाएगी यहाँ से, जब हम इसको 0 पुट करेंगे। देखो ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों का सम 0 है, तो दैट मीन्स दोनों इंडिविजुअली 0 हो गए। यहाँ से हम ए की वैल्यू डायरेक्ट -2 निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम बी की वैल्यू डायरेक्ट -1 निकाल सकते हैं। अब हमको बताना है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, हमको यहाँ पे बताना है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे निकालना है हमें डिफरेंस, और यहाँ पे हमें निकालना है सम। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अच्छा ए को हमें बड़ा रखना है, ठीक है, एक स्टार्टिंग में था, दैट मीन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 रहेगा, और साइन कौन सा रहेगा, बड़ा वाला रहेगा, दैट मीन्स -1 अपॉन, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे -2 और -1 को जब हम ऐड करेंगे आएगा -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 3। देखो हमें ना इसको यहाँ पे ऐसे तरीके से समझना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से बचना होगा। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस, जिसमें से बी ए में से माइनस करना है, मतलब इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो इसको पहले लिखना है तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी सेम इसी का साइन आ जाएगा। क्लियर? तो जो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो होगा हमारा 1 अपॉन 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वा चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे तो पहले ही होल स्क्वायर में गिवन है, होल स्क्वायर हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, और ये वहाँ पे ये भी होल स्क्वायर है, तीनों का सम 0 है, दैट मीन्स तीनों इंडिविजुअली यहाँ पे 0 होने वाले हैं। ओके, ये भी 0 होने वाला है, और यहाँ पर हमारा ये भी हमारा यहाँ पे 0 होने वाला है, और जेड प्लस एक्स माइनस वाई भी 0 होने वाला है, तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और वाई से वाई कैंसिल होगा, तो जो हमारा रिमाइंडर बच गया ये आ गया, एक्स बच गया यहाँ पे, वाई बच गया और जेड बच गया। जब यहाँ पे राइट हैंड साइड वालों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया हमारे पास 0, तो हमारे जो जिस चीज़ का आंसर निकालना था दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा हो गया 0। देखो कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमें ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। ओके, अगर हम 3 को यहाँ पे कर दें -1 -1 -1, तो इसको भी हमने इसलिए ओपन किया ताकि हम यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट कर सके, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये भी हमारा होल स्क्वायर हो गया, ये भी हमारा होल स्क्वायर हो गया, और ये भी हमारा होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा होल स्क्वायर हो गया ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी जो होगा 1 आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, हमें फाइंड करना था 2a माइनस 3b प्लस 4c,
टू ए हो जाएगा हमारे पास, जब हम ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, बी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +3, सी की वैल्यू -1 तो 4 की मल्टीप्लाई -1 से तो वो आ जाएगा हमारे पास -4। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है यहाँ पर 1। तो जो हमारा ये फाइनल आंसर है वो है हमारा इक्वल्स टू 1। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए ये है हमारा टाइप 1 के क्वेश्चंस। यहाँ पे जितने भी हमने किया ये होल स्क्वायर को कंप्लीट किया है, होल स्क्वायर से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट हमारा होगा, सेकंड टाइप हमारा, ओके, ये हमारा सेकंड टाइप हम करने वाले हैं। और ये जो हमारे सेकंड टाइप है इसमें हमें याद रखना है ये है हमारा वैल्यू पुटिंग। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को पुट करके देखना है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यूज पुट करने हैं जो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो सके। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमारे पास जो एक्स है ये हो गया बी प्लस सी माइनस टू ए, तो वाई है हमारे पास सी प्लस ए माइनस टू बी, और जेड है हमारे पास ए प्लस बी माइनस टू सी। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जो मर्जी तुम्हें वो पुट कर सकते हैं, एक्स की ए बी सी की वैल्यूज़। ओके, हम यहाँ पे पुट करते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे ए की वैल्यूज़ हम यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, बी की भी वैल्यू 1 पुट करते हैं, सी की वैल्यू भी 1 पुट कर लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी 1 + 1 - 2, यहाँ से वाई की वैल्यू भी, जो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ से वाई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और जेड की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तीनों की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें जो फाइंड करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। दैट मीन जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आ रहेगा 0। देखो, क्योंकि एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है, हम कोई भी वैल्यू इसी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो इसमें ईजिली सेटिस्फाइड हो सके। तो जो हमारा आंसर है वो है यहाँ पे 0। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 गिवन है। ओके, अब हमें ना सोचना होगा कि एक्स वाई जेड की ऐसी कोई वैल्यूज़ पुट करने, तो मैं तुम्हें एक वैल्यूज़ बता दे रहा हूँ, अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो एक्स की वैल्यूज़ रखना -2 और इसकी वैल्यू रखना 1 और जेड की वैल्यू 1। हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और अच्छा तुम वैसे पुट करके भी देखो क्या ये सब सेटिस्फाइड है। -2 + 1 + 1 ये हो जाएगा हमारा 0। दैट मीन्स ये वैल्यूज़ यहाँ पर ईजिली सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स और वाई। जब हम यहाँ पे इन वैल्यूज पुट करेंगे, ओके, इसकी वैल्यू -2, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। वाई और जेड, वाई जेड की मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगा 1 + यहाँ पर आ गया हमारे पास वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और एक्स और जेड की जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारे पास -2 + यहाँ पर 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई भी आ जाएगी -2। तो ये आ गया हमारे पास 4 - 1/2 - 1/2। अब हमें देखना है -1/2 और -1/2 हो गया हमारे पास आधा, और आधा ही हो गया 1, तो ये हो गया 4 - 1, तो जो हो गया हमारे पास फाइनल आंसर है यहाँ पर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + y = z। ओके, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज पुट करो जो इसको सेटिस्फाइड करे। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। देखो 1 + 1 = 2, ये वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाइड करती हैं। तो अगर ये वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाइड करती हैं तो हमें जो फाइंड करना है हम यहाँ उसको 5, तो x³ + y³ - z³ + 3xyz। तो ये हो गया हमारे पास 1³ हो गया यहाँ पे 1 + 1³, यहाँ पे भी 1 हो गया, माइनस यहाँ पे z³, दैट मीन्स 2³ हो जाएगा यहाँ पे 8 + अच्छा, 3xyz का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 3 के साथ तीनों की मल्टीप्लाई, अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2, लेकिन जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। जब हम यहाँ पे 1 + 1 + 6 करेंगे तो ये आएगा 8 - 8, दैट विल बी 0। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू 0।
ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। देखो, जैसे अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, तो हमने वहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट की थी। सेम हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे -2, बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, ताकि ये इसमें यहाँ पर सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन ए प्लस बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का हमें यहाँ पे सम करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1। बी प्लस सी जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1। और बी ए प्लस बी जब हम करेंगे यहाँ पर, ये फिर से हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस, तो 1 अपॉन यहाँ पर करेंगे हम सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। और सी प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1 अपॉन 2, यहाँ पे ये हो जाएगा +1, अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा ये होगा हमारे पास 0। दैट मीन्स यहाँ पर जो फाइनल हमारा जो आंसर आया है वो है यहाँ पे 0। हमें सिर्फ ये करना है कोई भी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो जो यहाँ पर ईजिली सेटिस्फाइड हो जाए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट करनी है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर यहाँ पे 1 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे हम इजिली 1 ले सकते हैं। बी की वैल्यू भी हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओके, हम यहाँ पे -1 और -1 भी ले सकते थे, वो भी इजिली सेटिस्फाइड हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो 1 ही होना चाहिए। दैट मीन्स सी की वैल्यू 1 रख दो, डी की वैल्यू 0 रख दो। हमें ये चार वैल्यूज़ रखनी है यहाँ पर। ऐसे भी हो सकता था सी की 0 रख के डी की हम यहाँ पे 1 रख दे, वो भी हम यहाँ पे इजिली कर सकते थे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, पहले बात देखो यहाँ पे दोनों जो ये लग है हमारे पास सेम सेम है। ठीक है, इस यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, कोई बात नहीं, एक की वैल्यू निकालेंगे हम उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए सी। ए सी इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस बी डी। ओके, डी तो 0 ही है, दैट मीन्स 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी सेम ही रहना है 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। दैट मीन आंसर विल बी 1 प्लस 1, दैट फाइनल आंसर विल बी 2। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो आया है 2। देखो यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो भी एसएससी सीजीएल मेंस में। और मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में जो टाइम लग रहा है वो 3 टू 5 सेकंड्स में हम वहाँ पे एग्जाम में इजली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे चार ही टर्म्स है और इक्वल्स भी 4 है। इसका मतलब अगर हम चारों टर्म्स को 1 1 1 के इक्वल कर दें, और वो कब पॉसिबल है, जब हम ए की वैल्यू भी 1 डालें और बी की वैल्यू भी 1 डालें। क्लियर, चार टर्म्स थी, चारों 4 के इक्वल थी, तो अगर 1 1 1 कर दे तो चारों बराबर हो जाएंगे। क्लियर, ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पर इजली सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो पुट करें, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, जो हमारा यहाँ पर 2 इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास x³ + 3x² + 3x = 7। ओके, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू 7 है, लेकिन यहाँ पे तीन टर्म्स है जहाँ पे जिसमें से दो के कोफिशियंट्स और 3 और 3 है। क्लियर, यहाँ पे इसका कोफिशियंट भी 3 है और इसका कोफिशियंट भी 3 है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये क्या ही सेटिस्फाइड है। देखो 1 + 3 + 3 = 7, यस सेटिस्फाइड। तो जो इक्वेशन है ये इजली यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो 1 है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था, और अगर हम इसको यहाँ पे वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो है x = 1। ओके, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर a³ + b³ + c³ = 3ab c। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यूज रखनी है जो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो होगी हमारे पास, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दे, सॉरी a की वैल्यू -2 रख दे,
बी की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दे और सी की वैल्यू 1 रख दे। देखो हमें ना ये वैल्यूज को रख के देखना है क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। ठीक है चलो रखते हैं। ए का क्यूब क्या हो गया, ये हो गया -8 + 1 + 1, दैट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो हो जाएगी -6। और इधर हम देखेंगे इधर है मल्टीप्लाई विथ 3 के साथ, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी -2, तो ये भी हो गया हमारे पास -6। दैट मीन्स ये वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई तो हम ये सेटिस्फाइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास a + b = c। क्या ए और बी का सम सी के इक्वल है? देखो ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे, -2 और 1 को ऐड करेंगे तो वो तो आएगा -1, सी के इक्वल नहीं है। अच्छा सेकंड बी ऑप्शन हम देखेंगे, b + c = a। चलो बी और सी को अगर हम ऐड करेंगे आएगा 2, लेकिन ए की वैल्यू है यहाँ पे -2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। और देखो ऑप्शन डी को हम पहले कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि तीनों वैल्यूज यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो एक वैल्यूज बच गई लास्ट में हमारा ऑप्शन, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी a + c = b। अच्छा अगर हम ए और सी को ऐड कर दे तो वो भी हमारा बी के इक्वल नहीं आएगा, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कुछ एरर है यहाँ पर। ठीक है दैट इज एन एरर इन द क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मैं सही करके फिर आपको कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए था ये होना चाहिए था हमारे पास यहाँ पर -b आना चाहिए था, तो फिर हमारा यहाँ पे वही वैल्यू ये आंसर सेटिस्फाइड हो जाता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे भी हमें वैल्यूज पुट करनी है, दैट मीन्स ये होगा हमारे पास 5x - 3/x = ये हो जाएगा हमारे पास। जब हम ना एक काम करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअली हम यहाँ पे तीनों को 0 0 0 यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है अगर हम तीनों को इंडिविजुअली पुट करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आ गई वो कितनी हो गई, देखो x 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये 0 होगा। तो अगर ये 0 हो गया दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यूज है वो 3/5, तो सेम यही वैल्यूज हमारी वाई की होगी और यही वैल्यू हमारी जेड की हो गई। तो यहाँ पर जो हमें किया है ये 1/x, दैट मीन्स एक्स का रेसिप्रोकल, अगर एक्स हमारे पास 3/5 है तो 1/x होगा हमारे पास 5/3, सेम यही हमारे पास 1/y होगा और यही हमारे पास 1/z होगा। तो हमें इन तीनों को यहाँ पे ऐड करना है, दैट मीन्स 5/3 + 5/3 + 5/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/3 = 5। तो जो हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ये होगा 5। ठीक है ओके आज हम यहीं पे अब इसको एंड करते हैं। तो यहाँ पर ओके जो मेरे चैनल है यहाँ पे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।